तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंजनी महादेव टेम्पल। yes. ये टेम्पल थोड़ा हाइट पर है। क्या व्यू के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है आप देखो। तो गाइस कच्चे रास्ते के साथ साथ यहाँ पे एक ही पगडंडी रास्ता भी है। इस टेम्पल को अंजनी महादेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हनुमान जी की माता अंजनी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। पहली बार इस तरीके का टेम्पल मैंने देखा है। कितना हाइट से पानी आ रहा है आप देख सकते हो, सीधा शिवलिंग के ऊपर। हर हर महादेव। तो हम लोग जा रहे हैं अंजनी महादेव टेम्पल। ये सोलांग वैली से है लगभग 1.2 किलोमीटर। गौरव तो मेरे से तेज भागा जा रहा है। तो कुछ ऐसा रास्ता है अंजनी महादेव टेम्पल का। वैसे अगर आप कभी नवंबर के बाद में आओगे तो यहाँ पर मिलती है बर्फ, लेकिन आजकल यहाँ पे बर्फ नहीं है क्योंकि हम लोग आए हैं अक्टूबर स्टार्टिंग ही है अभी, तो पूरी बर्फ बर्फ तो कुछ नहीं है। और जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। व्यू तो काफी ऑसम है, तो मजा तो आएगा ही। गौरव तो काफी मजे कर रहा है, तो चलते हैं और देखते हैं। अभी यहाँ से रह गया है सिर्फ 400 मीटर दूरी पर, देखते हैं क्या रहता है आगे का ट्रैक, कैसा है, टफ है, इजी है, जो भी है बताते हैं आपको। रास्ता डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से नीचे बोल रहे थे कि आप मोटर बाइक ले लो, घोड़ा ले लो, रास्ता तो बहुत ही सिंपल है। रास्ते का ही तो मजा है। और क्या का मजा नहीं लिया तो अगर ये रास्ता हमने 2-5 मिनट में पूरा कर लिया फिर मजा क्या है। सही बात है। यहाँ पे लग रहा है क्रिकेट मैच भी हो रहा है। सोचो इतनी हाइट पे भी क्रिकेट का क्रेज देखो इंडिया में कितना है। आपको दिखाएंगे, देखो पीछे कमेंट्री भी हो रही है। ट्रैक के बारे में ये है कि अगर आप 2-4 किलोमीटर चल लेते हो नॉर्मली अपने घर में डेली, तो आप कर सकते हो, ये इजी ट्रैक है। और बीच बीच में एरोस बने हुए हैं, हाँ। तो आप जीपीएस ऑन कर सकते हो अपने फोन का और एरोस के को देखते देखते पहुँच ही जाओगे। हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। पहाड़ों में वैसे ही सेफ्टी का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अकेले भी हो तो ठीक है, बस अंधेरा ना हो। अंधेरे में थोड़ा जानवरों को खतरा रहता है। पहाड़ों पर वैसे भी दिन दिन का ही खेल है। सही बात। थोड़ा अपना डे आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप सब चीजें देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। क्रिकेट मैच दिखा देते हैं। क्या व्यू के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है आप देखो। आप जब भी ट्रैक पर जाओ तो एक वाटर बॉटल जरूर लेके जाना चाहिए। वाटर बॉटल बहुत जरूरी है क्योंकि रास्ते में सच कुछ है नहीं खाने पीने का। इस तरह के एरो लगे हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये आप पीछे देख सकते होंगे, ये एरो है। ऐसे आगे भी लगे हुए हैं, तो इनको फॉलो करते हुए आप जा सकते हो क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल ज़्यादा अच्छे आएंगे नहीं। लेकिन जीपीएस का रास्ता भी ठीक है। हाँ सही है। हाँ तो वहाँ हम बता रहे थे पानी के बारे में। देखो कुछ लोग ऐसे मोटर बाइक से भी जाते हैं, ये भी एक तरीके जाने का। आई थिंक 800 रुपये कुछ चार्जेस है। तो पानी की बॉटल्स भी आपको लेके आना चाहिए। एक तो पानी मिलता नहीं है ऐसी जगह, दूसरी बात यह है कि जब आप थोड़ा ट्रैक करते हो तो डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है, हाँ। तो इसीलिए पीछे से पानी पीते रहना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से बाइक जा रही है। देखो कुछ पीछे इस तरह का व्यू है। तो गौरव तुमने कभी नोटिस की है बात
क्या? कि जो सब शिव जी के जो टेम्पल्स होते हैं वो हमेशा हाइट पर ही होते हैं। हाँ ये बात तो है, यानी शिव जी को मनाने के लिए थोड़ी तो मेहनत पहाड़ों के ऊपर घने जंगलों के बीच में और हाइट पे शिव जी को मनाने के लिए चढ़ना तो पड़ेगा, चढ़ना तो पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मानने वाले। लेकिन खूबसूरत बहुत होते हैं। हाँ सारे बहुत पुराने जमाने के भी होते हैं। लोग यहाँ पे जिप्सी भी लेके आए हुए हैं, पता नहीं ऊपर तक जिप्सी भी अलाउड है, गाड़ियाँ अलाउड है कि नहीं, लेकिन लोग लोगों का छोड़ो शिवजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो है। और आपने देखा भी होगा कि जो सारे शिवजी के टेंपल होते हैं वो बिल्कुल नेचर के बीचों बीच शांति में, जहाँ आपको खुद को ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना एनर्जेटिक भी फील होता है जब आप दर्शन भी कर लोगे, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। ब्रेक देखिए यहाँ पे, यहाँ के जो पहाड़ों के घोड़े होते हैं वो भी कितने सुंदर होते हैं। जब तक श्वेता ब्रेक ले रही तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो आई थिंक मंदिर पास में ही है, अब यहाँ से वो जो सामने दिख रहा है आई थिंक वही है। चलते हैं देखते हैं कैसा है। अब मैं बताती हूँ आपको डिस्टेंस कितना रहेगा। 400 मीटर ओनली, बस बस बातें करते करते यहाँ तक आगे पता ही नहीं चला। अभी हम लोग नीचे से आ रहे थे तो लोग कहते हैं 5 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत लंबा है, आप पैदल तो जा ही नहीं सकते, आपको मोटर गाड़ी तो लेनी होगी। हमने ठीक है चल के देखते हैं, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे, नहीं भी जा पाए तो ठीक है नेक्स्ट टाइम। वैसे भी हम लोग तो यही सोचते हैं कि अब निकले हैं तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चले जाते हैं, नेचर तो देखने को मिल ही जाता है। हाँ। और अगर भगवान बुलाएगा तो चले तो जाएंगे। तो अब एक और एरो दिख रहा है हमको और हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये यहाँ से आओ, यहाँ देखो पगडंडियाँ बनी हैं, देखें यहाँ से चले। हाँ ये तो सही है, चलना तो एक जगह जो ब्यूटीफुल फील हो रहा है ना, चारों तरफ आप लाखों रुपए भी खर्च कर दो ना ये ब्यूटी नहीं मिले। नेचर को आप पैसे से तोल भी नहीं सकते। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको नेचर पसंद है या फिर आर्टिफिशियल ब्यूटी। सिर्फ 150 मीटर। तो गाइस कच्चे रास्ते के साथ साथ यहाँ पे एक ये पगडंडी रास्ता भी है जो कि ज्यादा कंफर्टेबल है चलने के लिए। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, आप देख सकते होगे पीछे जो मंदिर दिख रहा है वो ही है अंजनी महादेव मंदिर। तो चले ये पगडंडी वाला रास्ता ज्यादा आसान नहीं है इससे। हाँ। मैं थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह से चल रही हूँ और अभी बज चुके हैं 5।
तो बस अंजनी महादेव टेंपल हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, हार्डली 50 मीटर्स का रह गया है। गौरव काफी एक्साइटेड है। yes. देखो भागा जा रहा है मेरे को बिना लिए। अब यहाँ से सीढ़ियों का सफर शुरू होगा। ये देख सकते हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, और अब बहुत ही स्मूथ अच्छी सीढ़ियाँ यहाँ से वे टू शिवलिंगम। चलो चलो श्वेता, अब सीढ़ियों का रास्ता शुरू हो चुका है। सीढ़ियाँ तो बहुत अच्छी बना रखी है उन्होंने। क्या पीछे एक फाउंटेन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर कैमरा ठीक से रिकॉर्ड कर पाए तो। और अब जूते भी हमें इस लेवल पर उतार देंगे। ठीक है, जूते यहाँ पर उतार देंगे, उसके बाद करते हैं। इस तरह की सीढ़ियाँ आप देख सकते हो, लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा है और शांति भी। झरना भी देखो कितना हाइट से आ रहा है, बहुत हाइट से। ये जैसे जोगरी वाटरफॉल है वो भी बहुत हाइट से आता है, उसी तरीके से आ रहा है ये भी। लेकिन देखो भगवान में इतनी शक्ति है, हम लोग सुबह से चल रहे थक चुके थे, हम यहाँ के एक अलग एनर्जी आ गई। सोच रहे हैं बिल्कुल कि अब एनर्जेटिक हो चुके हैं बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं हम लोग। हम लोग पहुंच चुके हैं टेंपल तक। जय अंजनी महादेव जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर आकर आपकी जो भी थकान होगी वो एकदम दूर हो जाएगी। क्या कहते हो गौरव? हम लोग भी सुबह से चल रहे हैं, अच्छे खासे थके हुए थे, सोच रहे थे पता नहीं यहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन देखो भोलेनाथ की मर्जी थी, हमारे अंदर एनर्जी भी आ गई और अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग थके हुए हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो अंजनी महादेव भगवान के दर्शन करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये नज़ारा अद्भुत है और यहाँ आपको एक अलग ही एक एनर्जी फील होगा और आपकी जो भी दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। दर्शन कर लिए हैं अंजनी महादेव के, और जो भी थकान हुई थी रास्ते की वो सारी उतर चुकी है।
तो आप लोग भी आइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मनाली में इतना रश है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ है। लेकिन ये जो टेम्पल है इसे टेम्पल मत समझिए, ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी के बीच भगवान भोलेनाथ का जो वाटर स्ट्रीम से डायरेक्ट उनको 24 घंटे उनके ऊपर पड़ रही है वो चीज़ देखने लायक है, और वो देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मनाली सिर्फ आपका कैफेज और आउटिंग का एक प्लेस है, ये इस तरह की धार्मिक जो भी प्लेसेस हैं वो भी ज़रूर जाना चाहिए आपको, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और लिविंग विद श्वेता गौरव इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनाली के और भी वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। टिल देन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।